भक्त बंधुओं और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शाम को या रात्रि में शव को, मृतक शरीर को क्यों नहीं जलाया जाता है, या फिर मृत्यु होने के बाद शव को या मृतक शरीर को उनके प्रजनों द्वारा या उनके प्रिय द्वारा लाश को या फिर शव को अकेला छोड़ा क्यों नहीं जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें विस्तार से जानेंगे, गरुण पुराण के अनुसार भी जानेंगे हम सारी चीज़ें। तो आइए जानते हैं। जीवन के कुछ कटु सत्य होते हैं जो हर मनुष्य को सहना पड़ता है। जीवन के कुछ नियम या रास्ते होते हैं जिन पर हम सबको चलना पड़ता है। जैसे कि दिन के बाद रात्रि होती है और यह निश्चित है, ठीक वैसे ही यह भी निश्चित है कि पृथ्वी पर यानी इस मृत्यु लोक पर जो भी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना होता है। यानी कि पृथ्वी पर अगर कुछ सत्य है तो वह है मनुष्य की मृत्यु, बाकी सब मोह माया है। परंतु हम में से बहुत सारे लोग इस सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। हिंदू धर्म में मनुष्य के मृत्यु होने के बाद शव को जलाने का प्रचलन है। और आपने यह भी देखा होगा कि जब मनुष्य की मृत्यु संध्या या शाम के समय या दूसरे प्रहर के बाद होती है तो उस मृतक शरीर का अगले दिन दाह संस्कार किया जाता है। इसका कारण यह है कि पांचक काल में जिस शव का दाह संस्कार किया जाता है उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। इस कारण सूदक या पांचक काल समाप्त होने के बाद ही दाह संस्कार करना चाहिए। इसीलिए लोग संध्या शाम को या फिर रात्रि में शव को नहीं जलाते हैं। ये बात तो हो गई पांचक काल की, परंतु अगर मनुष्य दूसरे पहर के बाद मरता है या मृत्यु होती है, या फिर मनुष्य के मृत्यु के बाद मनुष्य क्यों मृतक के लिए विलाप करता है, रोता पीटता है, और उस दाह शरीर को क्यों अकेला नहीं छोड़ता या फिर शव को अकेला नहीं छोड़ता है, आइए फिर वो जानते हैं। यदि कोई मनुष्य रात्रि या संध्या काल में या शाम के समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या मर जाता है तो उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। उसके स्वजन या उसके प्रजन उसके हमेशा आजू बाजू या इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि कोई दूसरा जानवर शव को ना खा सके, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चीटा, माटा या कुछ भी छोटे से बड़े जानवर शव को ना काट सके या ना खा सके, इसीलिए उसके प्रजन उसके आजू बाजू मौजूद रहते हैं। और गरुण पुराण के अनुसार मनुष्य को ये यातना मृत्यु के बाद भी सहनी पड़ती है और ये यातना उसको ना भोगनी पड़े इसीलिए उसके प्रजन उसके इर्द गिर्द हमेशा मौजूद रहते हैं और शव को ज्यादा देर तक रखने से दुर्गंध आने का भय रहता है। शव के शरीर से दुर्गंध ना आ सके इसके लिए उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग, उसके इर्द गिर्द मौजूद मनुष्य कुछ ना कुछ वहाँ पे धूप अगरबत्ती जलाते रहते हैं ताकि उसके शरीर से दुर्गंध जैसे कुछ ना आ सके। तो ये कुछ कारण था जिसके कारण शव को रात्रि में या संध्या काल को नहीं जलाया जाता और शव के आसपास हमेशा मनुष्य इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं। ये कुछ कारण थे जिसके कारण ये सारी चीज़ें की जाती हैं। गरुण पुराण में भी बताया गया है कि हमेशा शव के आजू बाजू मनुष्य को रहना चाहिए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर संध्या काल में मनुष्य की मृत्यु होती है तो संध्या काल में और रात्रि में शव को नहीं जलाना चाहिए, सुबह का समय ही सबसे बेस्ट होता है, सबसे सही समय होता है, तो उस समय शव को जलाना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई हो। तो ऐसे और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।